सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सुरेंद्र कपूर, देवभूमि हिमाचल के इन हरे भरे पहाड़ों में आपका स्वागत है। तो जैसा कि मैं आपको बताऊं दोस्तों कि यहाँ पे पहाड़ों में बहुत ही ऊंची ऊंची जगह पे मतलब हमारे गांव होते हैं। तो दोस्तों हर गांव में तो रोड अभी बने नहीं हुए हैं, कहीं कहीं कोई एक आधा ऐसा गांव है जिसमें अभी रोड बने हुए हैं। समय तो संभव भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों जैसे कि मैं आपको बताऊं कि पहाड़ों में कई जगह तो बहुत ही दूर दूर ऊपर जाके गांव होते हैं। तो दोस्तों वहाँ के लिए जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, तो उसमें हमें रोज़ ही जैसे घर से आए तो जैसे स्कूल जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, या डेली हमें कोई और जो हमारे छोटे मोटे काम है उनके, दोस्तों हमें कम से कम हर रोज़ 2-4-5 किलोमीटर आगे तक जाना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो पहाड़ों में, मैं आपको बताऊं कि यहाँ का जो प्रमुख मतलब साधन होता है, जो सबसे ज़्यादा खेतीबाड़ी का होता है और एक पशुधन का होता है, तो उसके भी मैं आपको आज कुछ व्यू दिखाने वाला हूँ। ओ सर संजय जब्बड़ ही है भाई, अच्छा लागो तो बड़े मारते फुरते। और ताजा चला दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बताऊं कि पहाड़ों में कुछ इस तरह के खड़े रास्ते होते हैं जिनसे होकर हमें हर रोज मतलब किलोमीटर के हिसाब से सफ़र तय करना पड़ता है। तो हर रोज़ मतलब यहाँ से आना जाना ये हमारा जैसे दोस्तों लगा ही रहता है। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको बताऊं, आज बारिश लगी हुई है तो जल्दी से मतलब अपने गंतव्य की ओर निकलते हैं। तो बताऊं पहाड़ों में कुछ इसी तरह के रास्ते होते हैं जिन रास्तों से हमें हर रोज़ आना और जाना पड़ता है। बारिश थोड़ी और ज़्यादा तेज़ हो चुकी है और दोस्तों आज मेरे पास छाता भी नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर एक ऐसे मतलब बारिश से बचने के लिए थोड़ी सी जगह है, वहाँ पे 2 मिनट रुक के बारिश के रुकने का इंतज़ार कर लेते हैं, उसके बाद जाएंगे। मैं आपको बताऊँ कि प्रकृति ने क्या क्या ऐसी चीज़ें अपने अंदर समो के रखी है। तो दोस्तों सिर्फ मतलब ज़रूरत है तो उनको कैमरे के सामने लाने की। दोस्तों मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूँ कि दोस्तों हमारे पहाड़ों में ऐसी ऐसी इमेजिंग चीज़ें हैं कि दोस्तों देख के आप भी हैरान हो जाएंगे, लेकिन दोस्तों आज तक ये मतलब कैमरे से छिपी रही। तो दोस्तों इसलिए मैंने भी यही सोचा है कि चलो जो हमारी पहाड़ों की डेली लाइफ होती है दोस्तों कैसी होती है, उसमें हमें क्या कठिनाइयाँ आती हैं क्या नहीं आती है, इन सब का मैं हर बार मतलब हर ब्लॉग में कुछ ना कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बताऊँ, शाम के लगभग अभी 6:35 हुए हैं, देरी न करते हुए चलते हैं ऐसे जैसे हम बाहर की तरफ निकल रहे हैं। तो दोस्तों वैसे वैसे यहाँ का मतलब जो ऊपर का ये प्रकाश है दोस्तों सामने आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि हम अंधेरे से कि मैं अब उस जंगल से बाहर आ गया हूँ। दोस्तों जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पे बिल्कुल उतराई बहुत ही ज़्यादा है, तो हमें फटाफट नीचे उतरना पड़ेगा, नहीं तो दोस्तों अभी तो थोड़ी बारिश रुक गई है, जो खेती होती है जो हमारे फल फ्रूट होते हैं सारे ही दोस्तों बारिश पे डिपेंड करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बताऊं, रोड बहुत ही यहाँ पे तंग है, पहाड़ों में कुछ ऐसे ही रोड होते हैं। तो दोस्तों आगे से अगर कोई गाड़ी आ जाए तो हमें बड़ी मुश्किल से पास देने के लिए। दोस्तों जैसा कि मैं बताऊँ 20 मिनट का एक मिलर जा रहा है यहाँ पे कंपनी का। हेलो बच्चों, हेलो। तो जैसा कि मैं आपको बताऊँ आज का जितना भी ब्लॉग है दोस्तों मैंने मतलब बारिश में ही
शूट किया है दोस्तों, क्योंकि मैंने सोचा कि दोस्तों डेली ब्लॉगिंग है तो मतलब हर रोज़ अगर वीडियो बनाएंगे तो अभी बारिश लगी हुई है और मेरे को ठंड भी लगी हुई है दोस्तों, ऐसा ना हो कि कहीं मैं बीमार हो जाऊं। तो दोस्तों आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे अंत करता हूं, तो तब तक के लिए जय देवभूमि।